हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनर नेचर्स लवर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की आरती हो रही है और मैं मोस्टली काम सुबह ही करती हूँ प्लांट का। तो देखिए, ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये लंबे तरीके से बढ़ रही है। हालांकि ये प्लांट में बहुत सारे लीव्स थे पूरे नीचे तक, बट अभी गर्मी के टाइम में ये थोड़ी सी धूप से जल गई है क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। भले ही से आप सेमी शेड में भी रख रही थी, बट इसका प्लांट डैमेज हो गया है। ये सेमी शेड लवर प्लांट होता है, इंडोर आउटडोर दोनों है, बट ये सेमी शेड में ही ज़्यादा ग्रो होता है। ज़्यादा धूप, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है धूप में। तो आज मैं कटिंग से ग्रो करूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कट कर ली हूँ। हालांकि मैं एक ही कटिंग करूँगी, ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगी। अभी ग्रो हो जाए फिर देन मैं लास्ट में सोचूँगी कि मेरे को और प्लांट ग्रो करना है कि नहीं करना है। जितने भी डैमेज लीफ होते हैं, कोई भी आप कटिंग यूज़ करते हैं तो जितने भी डैमेज लीफ होते हैं या लीफ ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, जिससे प्लांट को ग्रो होने में आसानी होती है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं घर में ग्रो, क्योंकि देखिए, हम दूसरे प्लांट में ग्रो मतलब बंची बनाने के लिए पौधे को निपिंग कर देते हैं। जो ऊपर का इसका बड पार्ट होता है, ग्रोथ पार्ट होता है, इसको कट कर देते हैं। बट इस प्लांट में ना ये नहीं होता है, इसका ग्रोथ पार्ट कट करने से ग्रो नहीं होगा। अब जब भी कोई प्लांट कटिंग यूज़ करते हैं, प्लांट को कट करते हैं, आप फंजीसाइड का यूज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि फंगल लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे प्लांट मर जाता है सूख के या फंगल इफ़ेक्ट हो जाता है। तो देखिए, मैंने ग्रो बैग तैयार कर लिया है। सॉइल मिक्सचर जो मैं हालांकि डेली यूज़ में बनाती हूँ, वैसे ही सॉइल मिक्सचर है। ये रूट हार्मोन है, मैं इसमें रूट हार्मोन का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, एक प्लांट, इसको कुछ दिन पहले ही चूहा काट के डैमेज कर दिया है। ऊपर का पार्ट पता नहीं कहाँ कर दिया है, बट इसमें देखिए 3-4 बर्ड इसमें आ चुके हैं। सेम ऐसे ही इस वाले प्लांट को भी मैंने जो कटिंग की हूँ, इसमें भी इस तरीके से ग्रो होगा। आप जब भी प्लांट को कटिंग करके लगाए, कोई भी प्लांट आप लगाए, तो पहले आप कटिंग करके डायरेक्ट उसको धूप में मत रखिए, सेमी शेड में या फिर हो सके तो एकदम ही शेड में रखिए। कुछ दिन बाद, इसको एक हफ्ते बाद हल्की सेमी शेड में रखिए, क्योंकि अभी ये जो मौसम है, हालांकि ग्रो तो गर्मी में कटिंग नहीं लगा सकते हैं हम, जो अभी का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्लांट के रूट को ग्रो होने के लिए ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप जब भी प्लांट का कटिंग लगाए, इसको सेमी शेड में रख दीजिए और इसको अच्छे से ग्रो होने के लिए हल्की हल्की पानी का स्प्रे कीजिए। डायरेक्टली आप पानी को मत डालिए, आप जो स्प्रेयर होता है, आप उससे स्प्रे से आप पानी का स्प्रे कीजिए। हल्की नमी होनी चाहिए, ज़्यादा नमी हो जाने से गल भी जाती है। सो ये देखिए, मेरा प्लांट लग चुका है इस तरीके से, और इसको मैं अभी सेमी शेड में रख दूँगी। सो हे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।